गाइस, आपको पता होगा रिसेंटली ये टाइफून कार पूरी तरीके से जल गई थी जब मैं इसको पानी के अंदर टेस्ट कर रहा था। तो इसके प्लेस में मैंने एक और टाइफून कार खरीदी है। ये टाइफून इस वाली टाइफून से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। टोयोटा मेटल ट्रक के साथ आज की वीडियो में हम लोग फाइट भी कराने वाले हैं। चलो दोस्तों, पहले इन दोनों को अनबॉक्स करते हैं। 1:10 स्केल मॉडल है, ऑफ रोड है, 4x4 है, हाई परफॉर्मेंस मोटर है, लाइपो बैटरी है, यूएसबी से भी आप इसे चाहे तो चार्ज कर सकते हो। कार को आप चाहे तो बिग फुट मॉन्स्टर ट्रक भी बोल सकते हो। चलो इस बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अगर आप ये कार खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा। उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहाँ पर इसके वेबसाइट का बाय लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चाहे तो ये कार को खरीद सकते हो। वहाँ पर सभी का बाय लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजन का बाय लिंक दे रखा है। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। यार पुरानी वाली टाइफून में भी बिल्कुल सेम रिमोट मिला था, इसके अंदर भी सेम रिमोट दे रखा है। यहाँ पर स्टीयरिंग है, दो नॉब्स यहाँ पर है, यहाँ पर इसका ट्रिगर दे रखा है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, बाइंडिंग का एक स्विच मिलता है, एक एलईडी लाइट का इंडिकेटर भी मिलता है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, नीचे की तरफ 3 AA बैटरीज डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। चलो अभी हमारी टाइफून आरसी कार को निकालते हैं। पहले तो ये कार का कलर मेरे को पुरानी वाली टाइफून से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अच्छा तो गाइस, अब मेरे को समझ में आया इसमें और पुरानी वाली टाइफून में क्या चेंजेस है। इसका बॉक्स देखो यार, छोटा है, उसके अंदर इसी तरह का एक बहुत ही बिग साइज का बॉक्स मिलता है। इसके अंदर यूजर मैनुअल मिलती है, बैटरी मिलती है, चार्जर मिलता है। भाई साहब, ये कलर मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो यार, मिस्टर इंडियन हैकर के पास भी बिल्कुल सेम इसी तरह की टाइफून थी। व्हील्स देखो गाइस, पुरानी वाली टाइफून में ये टाइफून में कितना ज्यादा फर्क है। उसके अंदर सैंड व्हील्स मिलते हैं, इसके अंदर ऑफ रोड वाले व्हील्स मिलते हैं और ये व्हील्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एयर भी डाली गई है। तो यहाँ पर इस तरह का डिजाइन मिल जाता है इसके अंदर और पुरानी टाइफून में। सेम सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, इसके अंदर भी हेडलाइट नहीं है, वो कार के अंदर भी हेडलाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। साइड में देखो यार, यहाँ पे टाइफून बोल के लिखा है। कलर कॉम्बिनेशन इसका मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। नीचे की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे देखो यार, ABS प्लास्टिक यूज किया गया है, बहुत ज्यादा सॉलिड नजर आती है ये कार। तो इसको हटा देते हैं गाइस। अच्छा, अंदर की तरफ से भी ये पुरानी टाइफून जैसी दिख रही है। मोटर यहाँ पर दी गई है, 540 वाली इसके अंदर मोटर लगाई गई है। यहाँ पर इसका ESC है और ये पूरी तरीके से पैक है। बैटरी पैक जो है इसका यहाँ पर लग जाएगा। बैटरी पैक इसका बहुत ज्यादा डिफरेंट भी होता है। ऊपर की तरफ भी ABS प्लास्टिक यूज किया गया है। यहाँ पर इसका एंटीना भी मिल जाता है। शॉक एब्जॉर्बर इसके बहुत ज्यादा स्मूथ है यार, जैसे कि देख सकते हो। अभी हमारी पुरानी टाइफून को भी यहाँ पे मैं रखता हूँ। दोस्तों, दोनों टाइफून को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। दोनों की हाइट, दोनों की लेंथ बिल्कुल उतनी है। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, कलर काफी ज्यादा डिफरेंट है। व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स देखो यार, इतना ज्यादा फर्क है। सैंड व्हील्स बहुत ज्यादा शार्प टाइप के होते हैं, इस तरह की ग्रिप इसके अंदर मिलती है। ये ऑफ रोड वाले व्हील्स हैं, इसके अंदर ज्यादा ग्रिप नहीं मिलती है पर व्हील्स ठीक ठाक है। सारी चीजें तो मैंने निकाल लिया यार। ये है इसकी यूजर गाइड, बहुत मोटी वाली यूजर गाइड इसके अंदर मिलती है। अरे यार, इसके अंदर सिर्फ एक ही बैटरी मेरे को मिली है, वो भी 2000 mAh की है। पुरानी वाली टाइफून के अंदर दो दो बैटरीज मिलती थी और इसके अंदर 2500 mAh की बैटरी मिलती थी। पर पता नहीं गाइस, देखो इन लोगों ने बैटरी को डिग्रेड कर दिया है। सेम वोल्टेज है 7.4 वोल्ट पर 2000 mAh की बैटरी दे रखी है। तो अभी टोयोटा मेटल ट्रक को अनबॉक्स करते हैं गाइस। ये देखो, इसके अंदर इस तरह की पैकिंग मिलती है। अभी फटाफट से इसको निकालते हैं यहां से बाहर। तो गाइस, ये कार देखो यार, कितनी ज्यादा बड़ी है। इसको यहां से मैं निकाल लेता हूं यार, उससे पहले रिमोट को निकालना पड़ेगा। रिमोट निकाल लिया मैंने, अभी कार को निकालते हैं। भाई साहब, ये कार सच में बहुत ज्यादा भारी भरकम है और इसके अंदर ये वाली बैटरी आज मैं यूज करने वाला हूँ। ये है 2600 mAh की लाइपो बैटरी। टोयोटा मेटल ट्रक देखो गाइस, ये कम्प्लीटली मेटल के बिल्ड में आ जाती है। व्हील्स का साइज भी इसका काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही यूनिक सा रिमोट इसके अंदर मिलता है। आप इसे बंद कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे नॉब्स मिलते हैं। इसके अंदर 3 गियर्स मिलते हैं, यहाँ से आप इसको हाई, मीडियम और लो गियर में चला सकते हो। यहाँ पे स्टीयरिंग को ट्रिम कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसकी स्टीयरिंग की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ऊपर की तरफ स्टायरोफोम भी लगा हुआ है। तो गाइस, दोनों के बीच में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। टोयोटा मेटल ट्रक सच में टाइफून आरसी कार से बहुत ज्यादा बिग साइज की है। चलो गाइस, अभी देखते हैं अपनी नई वाली टाइफून आरसी कार टोयोटा मेटल ट्रक को हरा पाती है। लेट्स गो एंड फाइट। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बाहर। सबसे पहले नई वाली टाइफून को टेस्ट करते हैं। इसके सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्मूथ है यार। मेरे को तो लगा था कि इसकी स्पीड पुरानी वाली टाइफून से थोड़ी सी कम होगी, पर देखो भाई, इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा दे रखी है। बहुत अच्छे तरीके से कार ड्रिफ्ट वगैरह मार रही है। कंट्रोलिंग भी इसकी बहुत बढ़िया है। ओ भाई साहब, ब्रेकिंग भी इसकी बहुत तगड़ी दे रखी है यार। ये कार पुरानी वाली टाइफून से भी अच्छा व्हीली वगैरह मार रही है। मेटल टोयोटा ट्रक को टेस्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ। कार कितनी सटल, कितनी आराम से चल रही है। देखो, कंट्रोलिंग इसकी बहुत ज्यादा बढ़िया है।
इसको सीधा मैं हाई गियर में लगा चुका हूँ। हाई गियर में लगाने के बाद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस अभी दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। दोनों को कम स्पीड में मैं चला रहा हूं, अभी दोनों के अंदर फुल ट्रिगर मैंने जैसे ही दबाया है टाइफून कार देखो गाइस कितनी ज्यादा आगे निकल चुकी है। अभी दोनों को मैं चलाते चलाते ऑफ रोड में लेके आ चुका हूं, यहां पर प्रॉपर तरीके से दोनों के बीच में रेस लगाएंगे, देखते हैं ग्रास में मिट्टी में दोनों में से कौन जीतता है इस रेस में। यहां पर फुल स्पीड में चल रही है अपनी टाइफून, उसके पीछे पीछे जा रही थी टोयोटा मेटल ट्रक, अचानक से इसके सामने गड्ढा आ चुका है और एक गड्ढे में फंस चुकी है टाइफून आरसी कार। भाई साहब बहुत कमाल तरीके से और काफी स्पीड से ऑफ रोड में भी चल सकती है ये कार, पुरानी वाली टाइफून से भी अच्छा चल रही है यार ऑफ रोड में। अभी दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेलने में लगे हुए, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर अचानक से टोयोटा मेटल ट्रक टाइफून के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और टाइफून ने इसको नीचे से उठा लिया गाइस। अभी देखो इसको पीछे ढकेल के लेके जा रही है, ओ माय गॉड मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी भारी भरकम ट्रक को इसने उठा लिया और पीछे ढकले जा रही है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इसको पटक देगी। ओ भाई साहब देखो और कितना खतरनाक तरीके से इसने इसको पटक दिया था, पर टोयोटा मेटल ट्रक देखो गाइस वापस से खड़ी हो चुकी है। अभी दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस, देखते हैं टोयोटा मेटल ट्रक पुशबैक में हारने का बदला ले पाती है या नहीं। यहाँ पे दोनों के बीच में एकदम धुआंधार सी लड़ाई चल रही है, टाइफून आरसी कार ने यहाँ पर सच में बवंडर मचा रखा है। देखो गाइस टोयोटा मेटल ट्रक इसको बहुत खतरनाक तरीके से घसीट के लेके जा रही है, टाइफून कार इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और यहाँ पर इसने टाइफून क्रिएट करके रखा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी भी उड़ा रही है। फिर भी देखो गाइस टोयोटा मेटल ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रही है यार, दोनों ही कार देखो मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं। अभी दोनों कार्स के बीच में क्लाइम टेस्ट कराएंगे गाइस, सबसे पहले टोयोटा मेटल ट्रक को यहाँ से चढ़ाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये ऊपर चढ़ पाती है या नहीं। यहाँ पर देखो इसके पीछे के व्हील्स ही घूम रहे हैं, सामने के व्हील्स बिल्कुल भी घूम नहीं रहे। अब एक काम करता हूँ मैं इसका हाई गियर लगा देता हूँ, हाई गियर लगाने के बाद देखो ये थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ मूव कर रही है, बड़ी आराम से निकल चुकी है। सेम टेस्ट करते हैं टाइफून आरसी कार के साथ, भाई साहब ये कार देखो यार एकदम से जंप मारकर यहाँ से निकल चुकी है, ओ माय गॉड दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। यहाँ पर अभी टोयोटा मेटल ट्रक को एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर में डालने वाला हूँ, देखते हैं ये गड्ढे में से निकल पाती है यानी वापस से। देखो गाइस ये फंस गई यार, यहाँ पे मैं भी हाई गियर भी लगा देता हूँ, हाई गियर लगाने के बाद भी कीचड़ में ये फंस गई है। अभी टाइफून को टच करते हैं, टाइफून यार एक सेकंड के अंदर ही इसके अंदर से निकल गई, टाइफून सच में बहुत पावरफुल मेरे को लग रही है। अभी टाइफून को मैं दलदल में टच करने वाला हूँ गाइस, इसको थोड़ा सा मैं ध्यान से चलाऊंगा, पिछली वाली टाइफून इसी तरह का टच करने पे वो जल गई थी गाइस, देखते हैं इसका क्या हाल होता है। भाई साहब कीचड़ कुछ ज्यादा ही है यार, कार पूरी तरीके से फंस गई है, मैं इसके अंदर जितना रेस दे रहा हूँ ये उतनी कीचड़ के अंदर फंसी जा रही है, तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। अभी टोयोटा मेटल ट्रक को इसके अंदर चला के देखते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ से निकल पाती है या नहीं। ये कार कंप्लीटली वाटर प्रूफ है, इसको मैं आराम से इसके अंदर से निकाल सकता हूँ ऐसा मेरे को लग रहा है। भाई साहब कितना ज्यादा कीचड़ है, इस हाई गियर में डालने के बाद में ही यहां से निकल के आ चुकी है, तो क्लियरली ये जीत गई है दलदल वाले टेस्ट में। अभी टोयोटा मेटल ट्रक का वेट कैरी टेस्ट करते हैं, इसके ऊपर मैं इतना बड़ा पत्थर रखने वाला हूँ, देखोगे जिसके सस्पेंशन जर्रा बराबर भी दबे नहीं है, कार परफेक्ट तरीके से चल रही है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और भाई स्पीड भी देखो यार इसकी बहुत ज्यादा है, इसके सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्मूथ होने के कारण जैसे ही मैंने पत्थर रखा है कार देखो यार कितनी ज्यादा नीचे की तरफ दब चुकी है और ये भी बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है, अभी इन दोनों कार्स को मैं मिट्टी वाले पहाड़ पर क्लाइंबिंग कराने की कोशिश करूंगा गाइस। यहाँ पर सिर्फ जेल भी चीता ही चढ़ पाई थी और एक दो कार्स है मेरे पास वही यहाँ से क्लाइंब कर पाई थी, देखते हैं ये दोनों कार्स यहाँ पे क्लाइंब कर पाती है नहीं। टोयोटा मेटल ट्रक पूरी कोशिश कर रही है, देखो गाइस ये थोड़ा भी नहीं चढ़ पा रही है यार ऊपर। अभी टाइफून को टच करते हैं, टाइफून आधी चढ़ाई कर चुकी है, उसके बाद ये कार भी यहाँ पर रुक गई है गाइस, ये भी ऊपर की तरफ क्लाइंब नहीं कर पा रही है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको नई नवेली टाइफून आरसी कार पसंद है या फिर हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट टोयोटा मेटल ट्रक पसंद है। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट, पहला नाम आ जाता है मसूद, समीर, किशन दास, शेखर, सक्षम, रवि, मुन्ना, कृष्णा, निष्कर्ष, पीयूष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।